अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफरेंस करेंगे फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। ये टोटल 8 डिफरेंस है और इंशाल्लाह इसी में से डिफरेंस होंगे। सेक्शन सी में भी डिफरेंस आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी में भी आ सकते हैं। सो मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ऑफ टू हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड क्या होता है कि एक वीकेस्ट बॉन्ड होता है, जबकि अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। दो बाउंडेड एटम के बिटवीन कोई एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। जब ऑक्सीजन का ही ले लें तो ऑक्सीजन के बिटवीन टू बॉन्ड होता है, तो ये एक सिग्मा और एक पाई होगा। मैक्सिमम अगर हम ले लें तो ये टू हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन में थ्री बॉन्ड होते हैं, तो ये एक दो पाई होंगे और एक सिग्मा होगा। तो मैक्सिमम ऑफ टू पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। आपके पास अब होता है कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री, जबकि पाई बॉन्ड आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री। अगर आप इथाइन इथेन इनका ज्योमेट्रिकल शेप देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है जबकि पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। अब थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड है। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन केमिकल रिएक्शन उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, जबकि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कैलकुलेट करते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, जबकि ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। लाइक क्या होगा, स्टोइकोमेट्री स्टोइको मीन्स होता है एलिमेंट्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। एलिमेंट्स की जो मेजरमेंट होती है वो होता है स्टोइकोमेट्री, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के बिटवीन होता है। तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, जबकि ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज में भी आता है, थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, जबकि एक्चुअल यील्ड जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो ऑलवेज लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड है। अब इसमें नेक्स्ट ये होता है कि इसको कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं रिक्वायर होता, क्योंकि केमिकल इक्वेशन से हम निकालते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यील्ड की, एक्चुअल यील्ड की, तो वो रिक्वायर होता है, उसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट वर्क करना पड़ता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है। ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होती है। सोडियम फ्री है तो यहाँ जीरो होगी ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर ये प्लस वन हो गया तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गई। इसमें ये होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये क्लोरीन का जीरो है, ये फ्री एटम है, सो इसलिए इसका जीरो हो गया और बाकी है माइनस वन। तो यहाँ ये होता है कि डिक्रीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर। एक और इसमें डिफरेंस होते हैं कि इसमें गेन और एडिशन होती है ऑक्सीजन की और लॉस होता है, सब्सट्रक्शन होती है हाइड्रोजन की। जबकि रिडक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें लॉस और सब्सट्रक्शन होती है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन हमेशा ऐड होता है। तो ये होते हैं इनके दोनों के डिफरेंस। अब है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्जैक्टली इक्वल होता है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट के। हो सकता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है ना रिलीज हो सकती है जब सॉल्यूट मिक्स होता है सॉल्वेंट से। लाइक सॉल्वेंट अगर आप ले लें वाटर को और सॉल्यूट आप ले लें सॉल्ट को या फिर शुगर को, यहाँ पे ये होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है रिलीज भी होती है जब सॉल्यूट मिक्स होता है सॉल्वेंट में। लाइक क्या होगा कि वो होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल नहीं होता है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। ये हमने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दी द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की, जबकि इसकी जीरो नहीं होती है। आइडियल सॉल्यूशन ओबे करते हैं रॉल्स लॉ को एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएट कर जाते हैं रॉल्स लॉ से। तो ये होते हैं इनके डिफरेंस आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ऑलवेज रिमेंबर इज्म को ISM का मतलब होता है फिनोमेना, जिसको कहते हैं नेचुरल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रॉप का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमॉर्फिज्म वो फिनोमेना होता है जिसमें टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सिस होते हैं इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और जो कंपाउंड एक्सिस करते हैं उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। कि पॉलीमॉर्फिज्म इसका अपोजिट हो जाता है वो फिनोमेना जिसमें कंपाउंड एक्सिस करता है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का ये होता है कि क्रिस्टलाइन शेप और पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें कंपाउंड फिनोमेना होता है, ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। जैसे अगर आप ले लें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो ट्राइगोनल भी होता है और थ्रोम्बिक भी होता है। अगर हम बिल्कुल एक इजी सी एग्जांपल लें तो NaCl की ले लें, तो NaCl क्यूबिक भी होता है एंड ऑक्टाहेड्रल भी होता है। सो वो पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड है जो एक्सिस्ट कर रहा है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में।
कि अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिज्म की, तो वो कंपाउंड जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म को करते हैं वो आइसोमॉर्फ होते हैं टू ईच अदर. जैसे कि आप ले लें सी यू ए जी, तो वो क्यूबिक होते हैं, 1:1 रेशियो में होता है. एटॉमिक रेशियो बिल्कुल इनका सेम होता है. इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एनायन सेम होते हैं, नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, वे ऑफ कॉम्बिनेशन भी सेम होता है, लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है. बट आइसोमॉर्फिज्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, नेचर ऑफ एटम्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं. लाइक आप ले लें सी यू ए जी, आप ले लें के टू एस ओ फोर, के टू सी आर फोर, सो वो होती हैं कि इसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती हैं, बट इनकी जो क्रिस्टलाइन शेप है वो आइडेंटिकल होती है. ये कंसर्न करते हैं विद टू और मोर कंपाउंड्स एट अ टाइम, ये कैन नॉट बी सीन इन एलिमेंट. ये सीन करते हैं, हम देख सकते हैं एलिमेंट्स में, ये कंसर्न करते हैं सिर्फ और सिर्फ वन कंपाउंड से. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, सो मोलैरिटी सॉल्यूशन, मोलैरिटी एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रेशियो होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट का टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, जबकि मोलैरिटी रेशियो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. चेंजेस इन टेम्परेचर से, जबकि जो मोलैरिटी है वो इफेक्ट नहीं करती है चेंजेस इन टेम्परेचर से. ये डिनोट होता है स्मॉल m, जबकि हम इसको कैपिटल m से डिनोट करते हैं. ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे, जबकि ये डिपेंड करता है मास ऑफ सॉल्वेंट पे. बिटवीन कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, सो कोलिजन थ्योरी हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली फॉर गैसेस को प्रिडिक्ट कर सकें, जबकि ट्रांसलेशन स्टेट थ्योरी हमेशा जब यूज होती है जब हमें रेट्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस को डिटरमाइन करना होता है. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि उसमें कोलिजन होती है गैसेस की, वो स्ट्रेट लाइन चल रहे होते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन जो उनका कोलिजन से पहले का होता है, बिटवीन कोलिजन होता है, तो वो मीन फ्री पाथ कहलाता है, डिस्टेंस को हम कहते हैं. देखें तो वो कोलाइड कर रहे होते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर से, सो वो होती है कोलिजन थ्योरी. ये है कि द मेजॉरिटी ऑफ कोलिजन डू नॉट लेड टू अ रिएक्शन बट ओनली दोज इन विच द कोलाइडिंग स्पीशीज हैव. ये स्टेट करता है केमिकल रिएक्शन दैट अकर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स. ये स्टेट करता है केमिकल रिएक्शन अकर बाय गोइंग थ्रू ट्रांजिशन स्टेट्स. इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब करता है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को इन गैस फेज विद सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये एक्सप्लेन करता है रेट्स को बाय अज्यूमिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स दैट आर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. अगर अब भी आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म, तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसमें फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. सो ये थ्योरी यूज होती है फॉर डिटरमाइन द रिएक्शन रेट्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. सो ये आपको आगे भी समझ आ जाएगी, अभी के लिए इतना काफ़ी है. वो कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं पोलर बॉन्ड को जो कंटेन करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं या जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आ जाती हैं, जबकि नॉन पोलर बॉन्ड हमेशा डायपोल डिस्पर्जन फोर्सेस में होती है और ये वीक फोर्सेस को कंटेन करता है. वेपर प्रेशर इसका लो होता है जबकि वेपर प्रेशर इसका हाई होता है, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर लो होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि वेपर प्रेशर लो इसलिए है क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड में आप वाटर को देख लें तो वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. अब उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर एवोपरेट बहुत बहुत स्लोली करता है एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं या वीक फोर्सेज होती हैं, जैसे कि एसीटोन ले लें या थाइल अल्कोहल ले लें, तो वो जल्दी एवोपरेट कर जाता है, जल्दी उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स अनइक्वल होते हैं जबकि नॉन पोलर में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं. नॉन पोलर कोवलेंट नॉन पोलर ही होता है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी कंसिडर किया जाता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है जबकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है, जैसे कि अगर आप ले लें अमोनिया को, जैसे कि आप वाटर को ले लें. अच्छा एक और भी होता है, मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी कि कैसे बताएं कि नॉन पोलर है या पोलर है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी अगर आप लोगों को देखना हो. वैसे ही होता है कि सिमेट्री जब भी सेम होती है तो वो नॉन पोलर होते हैं, और जब भी अगर एसिमेट्रिकल होंगे तो वो फिर पोलर होता है, तो वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं. दैट्स इट, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़.